आज सुबह सुबह मैं मस्त रेडी होके अपने वर्कशॉप में काम करने जा रहा था, और जैसा कि अब मेरा नया रिस्टोरेशन का बिजनेस शुरू हो गया है तो मुझे इस काम पे पूरी 100% ध्यान देना था। पिछली बार जो बंदा अर्टिका लेके आया था मैंने उसके लिए बहुत ही बड़े तरीके से रिस्टोरेशन और मॉडिफिकेशन कर दी थी, और मुझे हर किसी का काम ऐसा ही करना था। लेकिन जैसे ही मैं अपने वर्कशॉप पे सुबह सुबह 10 बजे के आसपास पहुंचता हूँ, मुझे दिखाई देता है वहाँ पे एक बंदा, वो दीवार से सटके खड़ा हुआ था। और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरता हूँ मैं देखता हूँ वो बंदा कुछ ऐसा कर रहा था, फोड़ो 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 फोड़ो। ये देखते ही मैं उस बंदे की तरफ भागते हुए पहुंचता हूँ, तुरंत उसे धक्का मार के बोलता हूँ, ए भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरे दीवार पे हथौड़ा क्यों मार रहा है गैरेज के। तो वो मुझे बोलने लगता है, क्या है मेरे को हाथ क्यों लगाया, दिख रहा नहीं क्या मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ऐसे कैसे का किसी को भी हाथ लगा देगा तू। मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा था, तो वो मुझे जवाब देने लगता है, अबे तेरे को नहीं मालूम का ये पूरा के पूरा गैरेज मेरा है, 5 करोड़ का गैरेज है, पूरा मेरा है। ये गैरेज तेरा है? हाँ पूरा गैरेज मेरा है पूरा। ए चल निकल यहाँ से भिखारी साला, चट। हाँ तो आराम से बोलना, चिल्ला रहा क्यों है, जाता मैं वहाँ से। आया बड़ा, ओए तेरे तो ओए फुकरा मत समझना, बहुत पैसे है मेरे पास, ए पैसा पैसा। और इतना कहने के बाद वो बेवड़ा वहाँ से चला जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारे पागल लोग मुझे क्यों मिलते हैं, पर मेरे पास और भी जरूरी काम थे तो मैं अपने वर्कशॉप के अंदर जाता हूँ और उसका दरवाजा ओपन करके उसमें सारी चीजें लाइट वगैरह चालू करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी वर्कशॉप की साफ सफाई वगैरह करता हूँ, शटर ओपन करता हूँ, और सारे काम करने के बाद वर्कशॉप के अब मैं तैयार था अपने नए कस्टमर्स के लिए। मैं सोच ही रहा था कि आज भाई कोई बढ़िया सा ग्राहक मिल जाए जो कम से कम 20-25 लाख की गाड़ी का रिस्टोरेशन या मॉडिफिकेशन करने को बोले मुझे। मेरी वर्कशॉप बिल्कुल हाईवे से अटैच थी तो बहुत सारी चांसेस थे कि मुझे आज नए नए कस्टमर्स मिलने वाले थे, और बिल्कुल आज बिजी डे था। काफी वेट करने के बाद मेरे वर्कशॉप पे लोग तो आए पर वो कुछ ऐसे थे। अरे भाई खर्रा मिलेगा इधर, खर्रा खर्रा क्या खर्रा 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 मिलेगा खर्रा। अरे भैया ये पांटेला नहीं है, मेरे ऑटो रिपेयर के वर्कशॉप पे आगे जाओ आप। ए भाई जिम का एडमिशन चालू है तो बता दे भाई, मेरे को भी एडमिशन करवाना है। अरे भाई ये वर्कशॉप है। अरे बेटा यहाँ बवासीर का इलाज होता है क्या, जरा पीछे जाके देख लो, मैं अपने हाथ नहीं खोल पा रहा, शायद पीछे फोड़ा भी आ गया है। अरे अंकल दवाखाना यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जाओ। भाई 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 लैटरिन की गोली दो, जल्दी लैटरिन की गोली दो। भाई देखो कौन से एंगल से मेडिकल दिख रही है। अरे भाई माल है के माल माल, अरे वो वाला माल 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 हीरोइन हीरोइन। अरे भाई क्या मैं तेको ड्रग का दलाल दिख रहा हूँ, चल निकल जाए यहाँ से। ये बॉय इनके पास कभी माल नहीं रहता रेल। अरे बेटी पुष्पा शादी होगी तुम्हारी? ये वाले अंकल तो शायद पागल खाने से भाग के आए थे, मैं उन्हें भी किसी तरह से भगा देता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी दुकान में ऐसे ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग क्यों आ रहे हैं। मेरा दिमाग अब पूरी तरीके से आउट हो गया था, तो मैं फटाक से वर्कशॉप के बाहर आता हूँ और मैं वर्कशॉप पे चेक करता हूँ कि कहीं कुछ नाम में ऐसा तो नहीं लिखा जिसकी वजह से यहाँ पे अजीब अजीब तरीके के लोग आ रहे हैं जब से। और जब मैं चेक कर ही रहा था इतने मुझे एक जोरदार बाइक की आवाज आती है, और जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अरमान भाई 2014 वाली हायाबुसा लेके आए हैं, और फिर वो बाइक से उधर के मुझे बोलते हैं कि अरे वाह तूने नई वर्कशॉप खोल ली। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई यहाँ कैसे आना हुआ, तो अरमान भाई मुझे बोलने लगते हैं, एक्चुअली ना मुझे थोड़े कैश की जरूरत है, तेरे पास अगर कोई ग्राहक हो तो बता, मुझे 2014 वाली हायाबुसा सेल करनी है, काफी अर्जेंट है इसीलिए बोल रहा हूँ। अब मैं अरमान भाई को बोलता हूँ कि मेरे पास खुद ही ग्राहक नहीं है, मैं आपकी बाइक के लिए कहाँ से ग्राहक लेके आऊँ। चलो भाई कोई नहीं ठीक है, मैं जाता हूँ दूसरा कस्टमर ढूंढना पड़ेगा शायद से। तभी मैं उन्हें रुकने को बोलता हूँ। मेरे दिमाग में ख्याल आ गया था अगर मैं इस गाड़ी को रिस्टोर करके बेचता हूँ तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, और यही ख्याल के चलते चलते मैं अरमान भाई से पूछने लगता हूँ कि भाई क्या आप हायाबुसा मेरे को बेच दोगे। अरमान भाई बोलता है कि हाँ भाई बिल्कुल मैं देखो बेच सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी चेक करता हूँ, कंडीशन देखने के बाद मैं अरमान भाई से गाड़ी का प्राइस पूछता हूँ। अरमान भाई इस गाड़ी के 6.5 लाख रुपए बोल रहे थे। प्राइस सुन के फिर हम दोनों ने थोड़ा नेगोशिएशन किया, और उसके बाद हम दोनों फाइनल 5,50,000 पे एग्री हो गए। फिर उसके बाद मैंने 5,50,000 रुपए उन्हें पेटीएम कर दिए, और फिर अरमान भाई ने मुझे गाड़ी के कागज और चाबी दे दी। अरमान भाई फिर वर्कशॉप से चले गए, और उसके बाद ये 2014 मॉडल हायाबुसा अपनी हो गई थी। अब थोड़ी देर में इसका रिस्टोरेशन शुरू होने वाला था, पर काम शुरू करने से पहले इसके टेस्ट ड्राइव लेनी जरूरी थी। थोड़ा बहुत चलाने से मुझे इसके इंजन की परफॉर्मेंस का अंदाजा हो जाता, तो मैं बाइक को स्टार्ट करके वर्कशॉप से निकल पड़ता हूँ। अब जब मैंने इसे चलाना शुरू किया इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल था। ये गाड़ी थोड़ी बहुत वाइब्रेट कर रही थी शायद से इसके पुराने सस्पेंशन की वजह से, पर ओवरऑल टेस्ट ड्राइव में मुझे कुछ डिफेक्ट नहीं लगा, तो मैंने गाड़ी को मोड़ा और वापस से अपने वर्कशॉप की तरफ निकल पड़ा। अब मैं मस्त खुशी मना रहा था क्योंकि भाई इसके अंदर इंजन का उतना काम नहीं था, पर थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी के इंजन से अचानक से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, और मुझे बिल्कुल भी सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इतने सारे धुएं की वजह से।
सामने अच्छे खासा ट्रैफिक था और मैं किसी भी गाड़ी से टकरा सकता था, पर फॉर्चुनेटली मैं हर गाड़ी से बचते हुए अपनी गाड़ी को किसी तरह भगाते हुए वर्कशॉप पे वापस ले आता हूँ। वर्कशॉप पे पहुँचते सबसे पहले मैं फटाक से गाड़ी सुधरता हूँ, गाड़ी का इंजन बंद कर देता हूँ। गाड़ी काफी ज्यादा गर्म हुई थी और धुआं रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे ख्याल से इसका इंजन बुरी तरीके से डैमेज था। अब मुझे पता चला कि अरमान भाई ने ये गाड़ी इतने सस्ते में क्यों बेच दी। मैं थोड़ी सी सलाह लेने के लिए बबलू मैकेनिक को फोन करता हूँ तो बबलू मैकेनिक मुझे बोलता है कि शायद से गाड़ी का कूलेंट खत्म हो गया होगा, इस वजह से गाड़ी से धुआं निकल रहा है। तो मैं ठीक है बोल के फोन रख देता हूँ। और अब मैं समझ गया था कि इस गाड़ी के रिस्टोरेशन में अच्छा खासा काम लगने वाला है। मैं इसे अब अपनी गैरेज के अंदर लेके आया और सबसे पहले तो मैंने इसके पेट्रोल की टंकी खाली कर दी। पता नहीं ये गाड़ी पुरानी और इसमें क्या डिफेक्ट होगा जिसकी वजह से कहीं ये फट भी सकती थी। एक और मेन बात तो ये थी कि मैंने बाइक की रिस्टोरेशन आज से पहले कभी नहीं की थी। सामान तो मेरे पास रिस्टोरेशन के लिए पूरा था, पर बाइक को रिस्टोर करने का तरीका कार से थोड़ा तो अलग होता है, इसलिए यहाँ पे जरूरत थी थोड़ी सी रिसर्च की। अब मैं अपने कंप्यूटर पे जाके हायाबुसा के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। उसके इंजन, चैसी, बॉडी पैनल, व्हील, डिस्क ब्रेक और सारी चीजों के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन निकाल देता हूँ। मैं उसके सारे ब्लूप्रिंट, सारे जनरेशन भी चेक करता हूँ, पुरानी और नई जनरेशन में क्या फर्क था, कितने सिलेंडर इंजन है, रिप्लेस किस तरीके से किए जाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पूरी रात बैठ के कम्प्लीट कर लेता हूँ। और ये सब होने के बाद मैं ऑनलाइन इसकी जो जो पार्ट्स की मुझे जरूरत थी वो सारे के सारे पार्ट्स को मैं ऑर्डर कर देता हूँ। अब सारे पार्ट्स खरीदने में लगभग मुझे 4,72,000 रुपए का खर्चा आता है। अब सब चीजें ऑर्डर होने के बाद नेक्स्ट दिन इंतजार था डिलीवरी का। रात भर तो मैं वर्कशॉप में रुक गया था और फिर सुबह सुबह ट्रक जितना मैंने सामान मंगाया था वो सारा का सारा डिलीवर करने के लिए आ जाता है। पार्सल, इस पार्सल के अंदर वो सारी चीज थी जो हमारे हायाबुसा की रिस्टोरेशन में इस्तेमाल होने वाली थी। इसके बाद मैं डिलीवरी बॉय को थैंक यू बोलता हूँ और पेमेंट तो मैंने ऑनलाइन ही कर दी थी। तो फिर उसके बाद डिलीवरी बॉय वहाँ से चला जाता है। अब अपनी सारी काम की चीजें आ गई थी और बारी थी अब इन डब्बों को खोलने की। मैं थोड़ा सा काम स्टार्ट करने में नर्वस था क्योंकि मैं पहली बार किसी बाइक को रिस्टोर करने जा रहा था, लेकिन मैंने जो रिसर्च करी थी वो सारे मेरे दिमाग में थी और इस हायाबुसा का हुलिया मैं पूरी तरीके से बदल के रख देने वाला था, जिस पे मैं भी पिट गया था। सबसे पहला काम मैंने इसके इंजन को फिक्स करना शुरू किया। इसके इंजन में जो भी बेकार जंग लगे और डिफेक्टिव पार्ट्स थे उन सारी चीजों को मैंने रिप्लेस कर दिया। वायरिंग का पूरा नया सेट डाला क्योंकि वो भी पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी। जब लगा कि इंजन का काम पूरा हो गया है तो फिर इंजन को टेस्ट करने लगा। मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और मैं उसकी आवाज सुन के ये चेक कर रहा था कहीं कहीं खड़खड़ की आवाज तो नहीं आ रही, कहीं कुछ आवाज तो नहीं आ रही, पर आवाज एकदम परफेक्ट थी। अभी तो 99% गाड़ी का इंजन अच्छा हो गया था, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत इसमें आवाज फिर भी आ ही रही थी। तो मैंने फिर इसके हल्के फुल्के डिफेक्ट्स अपने हाथों से ठीक किए। जब मुझे लगा गाड़ी का इंजन पूरी तरीके से ठीक है तो इसकी बॉडी पे मैंने अब काम करना शुरू कर दिया था। 4 दिन बीत चुके थे और हमारी हायाबुसा अब रेडी थी। सबसे पहले तो हमने इसके टायर्स को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया, नए वाले एग्जॉस्ट लगाए, नई हायाबुसा का डैशबोर्ड लगा दिया वो भी बढ़िया से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ, इसके अंदर नया सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम ऐड कर दिया, एक बढ़िया सी नई वाली लेदर की सीट लगाई, हमने इसकी टेल लाइट तो चेंज की ही, उसके साथ साथ हमने इसके अंदर नया वाला हेडलाइट भी लगवा दिया और ये पूरे के पूरे एलईडी था। इसे हमने नए बॉडी पैनल और नया पेंट भी दे दिया था डुअल टोन वाला। और ये सब करने के बाद फाइनल रेडी हो गई थी हमारे 2023 हायाबुसा। ये मेरी पहली बाइक की रिस्टोरेशन थी और मैं जो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने भाई सब 2014 वाली हायाबुसा को 2023 के हायाबुसा में कन्वर्ट कर दिया था। हो सकता है इसमें कुछ कमियां हो, लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही परफेक्ट और क्लीन जॉब था और इसकी फर्स्ट टेस्ट ड्राइव के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। मैंने इसे स्टार्ट करके तो देखा था लेकिन इसे चलाया बिल्कुल भी नहीं था अभी तक। अभी हायाबुसा पहले के मुकाबले थोड़ी अग्रेसिव लग रही थी तो मुझे चलाने में थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन फिर मैं अपनी गाड़ी की तरफ गया, उसके ऊपर बैठा और जैसे ही मैंने हायाबुसा को स्टार्ट किया भाई वो मजा आ गया, वो आवाज सुनते मैंने फुल रेस देते हुए अपनी गाड़ी को वर्कशॉप से निकाल लिया और अब मैं इसकी फुल रफ्तार से टेस्ट ड्राइव लिए जा रहा था। ये हायाबुसा चलने में काफी ज्यादा जबरदस्त थी। मैंने इसकी हैंडलिंग और कंफर्ट को खास तौर पर ट्यून किया था जिसकी वजह से चलाने में बहुत ज्यादा स्मूथ महसूस हो रही थी। इंजन बिल्कुल स्मूथ हो गया था, कोई खड़खड़ की आवाज नहीं आ रही थी। और इसका लुक वैसे आपको कैसे लगा दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। इसको फिर मैंने और ज्यादा एक्सेलरेट देना शुरू कर दिया, लिटरली ये बाइक ने 150 प्लस स्पीड क्रॉस कर ली थी और ऐसा लग रहा था अभी भी इसके लिए कि मामूली बात हो। मुझे इसके RPM भी काफी ज्यादा अच्छे मिल रहे थे और मैंने इसके अंदर तीखे से तीखा मोड़ लेने की कोशिश किया, लेकिन ये गाड़ी भाई आराम से मुड़ जा रही थी। और जब मैंने इस गाड़ी की टेस्ट राइड ली तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बाइक को भी अच्छे तरीके से रिस्टोर कर सकता हूँ। मैंने लगभग 9.5 लाख का खर्चा करके इसे 20 लाख रुपए की बाइक पे कन्वर्ट कर दिया था। इवन इसके सस्पेंशन भी काफी ज्यादा अच्छे वर्क कर रहे थे जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर थे। और जो टायर मैंने इसमें लगाए थे उससे मुझे काफी बढ़िया ग्रिप भी मिल रही थी।
भाई, अब मैं अपनी वर्कशॉप में वापस रहता हूँ और अपनी गाड़ी को पार्क कर देता हूँ। टेस्ट ड्राइव लेके तो भाई बहुत मजा आया, भले ही टेस्ट ड्राइव कुछ मिनट की थी, लेकिन हायाबुसा चलाने में भाई जो मजा आया वो और वो किसी बाइक में नहीं है। पर सैड पार्ट इज कि मुझे इस बाइक को बेचना पड़ेगा भाई, तभी तो अपने को प्रॉफिट मिलेगा, वरना जो पैसे मैंने इस पे खर्चे किए वो रिकवर होने से रहे। लेकिन भाई आप लोग बताओ कमेंट करके, क्या आपने को इस हायाबुसा को रखना चाहिए या बेच देना चाहिए? अगर 1000 कमेंट रहते हैं तो मैं इस हायाबुसा को रख दूंगा, लेकिन नहीं आती है तो भाई हायाबुसा को बेचना ही पड़ेगा। तो फिर आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगली बार उम्मीद करेंगे कि भाई कोई ऐसा ग्राहक आए जिससे अपने को 25 से 30 लाख का प्रॉफिट हो जाए। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।